तो हेलो, तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल आरएस टेक पर। मेरा नाम है रेंशु शर्मा और आज हम अपने अर्बन लेजेंड के इस एपिसोड में जानेंगे छुपा काबरा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1995 के पोर्टोरिको नाम के स्थान पर ये घटना पहली बार घटी, जब एक आदमी की 9 भेड़ों की एक साथ मौत हो गई। जब वहां पर मौत की वजह जानने वाले शोधकर्ता आए तो उन्होंने पाया कि हर भेड़ के गले पर 3-3 छेद के निशान हैं। ये निशान उल्टा त्रिकोण का निशान बना रहे थे। जब भेड़ों की अच्छी तरह से जांच की गई तो यह पता चला कि उन भेड़ों में एक बूंद भी खून नहीं बचा था। यहाँ तक कि कुछ भेड़ों के तो अंदरूनी अंग जैसे दिल और फेफड़े तक निकाल लिए गए थे। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि इन छोटे छोटे छेदों में से दिल और फेफड़े जैसे बड़े अंग निकाल लिए जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए लेकिन इस पहेली को कोई भी नहीं सुलझा पाया। कुछ दिनों बाद ऐसी ही घटना एक और आदमी के यहाँ घटी कि उसकी बहुत सारी मुर्गियाँ मृत पाई गईं और उनके गले पर भी वही 3 छेद और उनके अंदर भी एक बूंद भी खून नहीं बचा था। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों का रंग उड़ चुका था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक औरत सामने आई जिसने यह दावा किया कि उसने उस जानवर को देखा है जिसने यह सब किया है। उस औरत का नाम था मेडलिन टोलेंटिनो, जो पोर्टोरिको नाम के स्थान पर रहने वाली ही एक आम औरत थी। उस औरत ने वर्णन किया कि उस शैतान जैसे जानवर के 2 पैर थे जिन पर वो खड़ा हुआ था और 2 छोटे हाथ थे, एक बहुत बड़ी पूंछ थी और 2 चमकती हुई लाल आंखें। उस जानवर के मुंह में बहुत सारे तेज धार वाले दांत थे। उस जानवर को पास से देखते ही किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। वैज्ञानिक उस जानवर को ढूंढ रहे थे कि अमेरिका के एक शहर टेक्सास से एक और सामान्य घटना सामने आई, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो जानवर का वर्णन किया था वो पोर्टोरिको नाम के जानवर से बिल्कुल अलग था। तो इसका क्या मतलब है कि चुपाकाबरा एक प्रजाति के हैं या बहुत सारी प्रजातियों के? लोग अपने आप को अब असुरक्षित मान रहे थे और वहाँ के लोगों ने अपने घर हथियार रखना शुरू कर दिए थे। चुपाकाबरा का अर्थ होता है गॉट सकर, यानी कि बकरियों का खून चूसने वाला एक दानव। एक दिन कुछ आदमियों को चुपाकाबरा की लाश बरामद हुई। जब वो उस लाश को जांचा गया तो ये पता चल रहा था कि किसी भेड़िए या लोमड़ी को मेज की बीमारी है। मेज की बीमारी में भेड़िए या लोमड़ी के शरीर में खुजली होने लगती है और खुजाते खुजाते उनके सारे बाल झड़ जाते हैं। जांच में ये भी पता चला कि वह एक कैनाइन है। कैनाइन वह जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, जैसे कि लोमड़ी और भेड़िया। चलिए मान लेते हैं कि वह जानवर मेज की बीमारी का शिकार था, लेकिन यह कैसे माना जाए कि वह चुपाकाबरा नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों ने वर्णन किया था कि उनके यहाँ दिखने वाला चुपाकाबरा एक कुत्ते की तरह दिखाई देता है। सच क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चुपाकाबरा से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 4 लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें 2
लड़कियां थी और दो लड़के। वो लोग एक रात डिस्को गए थे, जहां पर जब वो नशे में धुत थे तब उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई दी। जब वो लोग बाहर जाके उन्होंने देखा तब उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखा। लेकिन जब वो डिस्को के अंदर जाने के लिए पीछे मुड़े तब उन्हें दोबारा से वह आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने गौर से उस आवाज की ओर ध्यान दिया तो उन्हें पेड़ पे बैठा हुआ एक जानवर दिखाई दिया। उन्हें वह जानवर पूरी तरह से तो दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह रात का समय था, लेकिन उस जानवर की दो चमकीली लाल आंखें उन्हें ही देख रही थी। वह लोग जल्दी से अंदर गए और अंदर जाकर छिप गए। कुछ देर बाद उन्हें यह मालूम हुआ कि ऊपर से कोई कांच तोड़कर अंदर आ चुका है। उनमें से एक बहादुर लड़के ने अपनी बंदूक उठाई और ऊपर देखने चला गया कि क्या हुआ। जैसे ही सब लोग सीढ़ियों के द्वारा ऊपर गए उन्हें सब सामान बिखरा हुआ मिला। कमरे के अंधेरे कोने में उन्हें दो चमकती हुई लाल आंखें दिखी। जब तक वह जानवर कुछ कर पाता उस लड़के ने उस जानवर पर गोली चला दी और वह जानवर दर्द से कराहने लगा। जब तक वह लड़का दूसरी गोली चलाता वह जानवर खिड़की से नीचे कूद गया और जमीन पर गिर पड़ा। वह अपने पंखों की मदद से उड़ना चाहता था लेकिन वह घायल होने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने अपने पंखों का सहारा लिया और सामने की झाड़ियों में चला गया। उन लोगों ने बहुत कोशिश करी लेकिन वह जानवर उन्हें ना मिला। उन लोगों ने अगले दिन पुलिस को यह बात बताई लेकिन उनको भी वह जानवर नहीं मिल सका और ये पहली कभी सुलझ नहीं पाई। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी और डरावनी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।